फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का 20 क्वेश्चन बताएंगे। फ्रॉम द सम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 6 एंड एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करना है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 4। यानी इन दोनों जो इक्वेशन है इनको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 6 प्लस करना है, यानी सम करना है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 यानी 2 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब, कोई लाइट टर्म नहीं है इसमें तो ऐसे उतार लेते हैं हम, प्लस 2 एक्स प्लस 6 एक्स यानी 8 एक्स प्लस 6 प्लस 2 8 यानी माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये हमारी इन दोनों का सम की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 4 यानी इसके जो वैल्यू आया है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स प्लस 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस करना है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 4। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x प्लस 8 माइनस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, तो जाएगा x क्यूब प्लस 3x माइनस 4। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x क्यूब यानी माइनस 4x क्यूब प्लस 8x प्लस 3x यानी प्लस 11x प्लस 8 माइनस 4 यानी प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। 21st क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 5 एंड 2 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स प्लस 12 सब्ट्रैक्ट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8। इसमें भी इस दोनों वैल्यू को सम करना है और फिर जो उसका जो आंसर आएगा यानी जो वैल्यू आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर देते हैं सम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स प्लस 12। एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 4 3 एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब यानी माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 9 एक्स यानी प्लस 11 एक्स प्लस 5 प्लस 12 प्लस 17 हो गया। इस सम की वैल्यू आ गई। अब सब्ट्रैक्ट हमें करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। हमारी वैल्यू आई थी 3x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स प्लस 17। सब्ट्रैक्ट करना है 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो 3x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स प्लस 17 माइनस, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो 3 एक्स की पावर 4 कोई लाइक टर्म नहीं तो ऐसे उतार लेते हैं हम, माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब यानी माइनस 11 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स, कोई लाइक टर्म नहीं है इसमें, प्लस 17 माइनस 8 यानी हो जाएगा प्लस 9, फिर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 एक्स की पावर 4 इसको कोई लाइटर ऐसे उतार लिया, लाइटर नहीं था, और माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स क्यूब आ गया, प्लस 11 एक्स कोई लाइटर नहीं था ऐसे उतार लिए, प्लस 17 माइनस 8 प्लस 9 हो गया, और फिर क्या बचा आप प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए हम, ये हमारा आंसर आ गया। 22 क्वेश्चन है, इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड इज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फाइंड डिग्री ऑफ p by x px plus gx and px minus gx। एक बार px plus gx क्यों निकालनी है और फिर एक बार px minus gx की डिग्री निकालनी है। तो पहले निकाल देते हैं px plus gx। तो px की वैल्यू दी गई है x cube minus x square plus 2 plus x plus 1। तो x cube minus x square plus 2x प्लस 3। अब इसमें किसका पावर बड़ा है, तो इसका पावर बड़ा है एक्स क्यूब का, वो पावर क्या है 3 है, तो हमारी डिग्री हो जाएगी डिग्री इक्वल टू 3।
अब एक बार पी बाई एक्स, पी एक्स माइनस जी एक्स, तो पी एक्स वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस वन आ गया। अब इसमें किसके डिग्री बढ़ा है, इसमें भी डिग्री थ्री आ जाएगी हमारी, इसमें भी डिग्री थ्री, इसमें भी डिग्री थ्री। 23 क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल को प्लस करना है यानी सम करना है हम। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 6 आ गया 4, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, इसको भी ऐड करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यहाँ प्लस लगा देते हैं, 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7। अब 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 6x क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो आप लोग कर लीजिएगा। 24 है, सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 कोलन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और सेकंड है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट उठाएंगे हम, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, नहीं और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक्स को कॉमन कर लेते हैं, एक्स को यहाँ से एक्स को कॉमन लिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड है एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 कोलन एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x प्लस 2, इसमें भी हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को सबट्रैक्ट करना है। तो एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x प्लस 2, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ब्रैकेट उठा देते हैं हम, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस 2x प्लस 6x 8x हो गया, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 हो गया, ये आ गया आंसर हमारा। ऐसे 24 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है इसी प्रकार के सबट्रैक्ट करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा उसे। 25 क्वेश्चन प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है इसको हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा एक्स की पावर 4, फिर अगेन हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो जाएगा प्लस 3x क्यूब, फिर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x क्यूब, प्लस 3x का मल्टीप्लाई हम 3x में करेंगे तो प्लस 9x स्क्वायर, प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 3x, फिर ऐसे हम 2 का भी करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मैंने प्लस 2x स्क्वायर,
प्लस टू का मल्टीप्लाई अगेन हम 3x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6x, प्लस टू का प्लस वन में प्लस टू आ गया। तो x की पावर 4 कोई लैटरम नहीं है, उतार लेते हैं हम, प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब यानी प्लस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कर लो अगर 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक और x स्क्वायर का टर्म है तो प्लस 9x स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 3x प्लस 6x हो जाएगा प्लस 9x प्लस 2, तो प्लस x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3 प्लस 9 12 हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट x प्लस 2। अब x का 3x का मल्टीप्लाई हम 3x क्यूब में करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x का x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का 2 3 6 6x क्यूब प्लस 2 का x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 का x में प्लस 2x, तो 3x की पावर 4 कोई लैक्टर में उतार लेते हैं हम, प्लस x क्यूब प्लस 6x क्यूब यानी प्लस 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x आंसर। Thanks for watching and please like and subscribe my channel.